सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे को नए वीडियो में। गाइस आज किस वीडियो में हमारे पास है कि मोबियल का खाली डिब्बा। वैसे तो हम लोग इस खाली डिब्बे को फेंक देते हैं या फिर हम लोग इस खाली डिब्बे को कबाड़ी वाले के हाथ भेज देते हैं, लेकिन आज किस वीडियो में हम आप लोग इस डिब्बे को फेंकने को नहीं बताएंगे। आज किस वीडियो में हम इस डिब्बे में एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे, जिसको कि अगर आप लोग मार्केट खरीदने जाते हो तो 150 से 200 रुपए का मिलता है, लेकिन हम उसको इसी डिब्बे में बनाएंगे, वो भी अपने घर पर। चलो इस डिब्बे में बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं इस डिब्बे में हम किस तरीके से एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे। हमने इस डिब्बे को पूरी तरीके से साफ कर लिया है, इसमें मोबियल लगा हुआ था। चलो इसमें लगाने के लिए सॉकेट और स्विच ले लेते हैं। हमने यहाँ पर इसमें लगाने के लिए दो सॉकेट ले लिए और एक ही स्विच ले लिया है। इन्हीं तीनों को इसके अंदर सेट करेंगे। चलो इन तीनों को इसके अंदर सेट करने के लिए कट कर लेते हैं इस डिब्बे को। इस डिब्बे को कट कर लेंगे, उसके बाद इनको सेट करेंगे। चलो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस डिब्बे में कट कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने दो सॉकेट और एक स्विच लगाने के लिए कट कर लिया है और यहाँ पर हमने छेद कर लिए हैं पेंच लगाने के लिए, और हमने इसमें लगाने के लिए यहाँ पर पेंच भी ले लिए। चलो इसमें इन सॉकेटों को सेट कर लेते हैं, लेकिन इन सॉकेटों को सेट करने से पहले इनकी हमको वायरिंग करनी होगी, क्योंकि अगर हम इनको इसमें सेट कर देंगे तो इसमें वायरिंग करते नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिब्बा पीछे से बंद है। चलो पहले इनकी वायरिंग कर लेते हैं, तब इनको इसके अंदर सेट करेंगे। और हमने यहाँ पर इसके ढक्कन पर भी एक छेद कर लिया है, यहाँ से हम वायर को निकालेंगे। चलो इनकी वायरिंग करने के लिए वायर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने वायर ले लिया है। चलो इस वायर से इनकी वायरिंग कर देते हैं। इनको हम कुछ इस तरीके से डिब्बे के अंदर सेट करेंगे, इसी तरीके से इनकी वायरिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक और ये वायर ले लिया है। इस वायर को हम इस डिब्बे से बाहर निकालेंगे। इस वायर में एक प्लग भी लगा हुआ है, इसी को हम इस डिब्बे से बाहर निकालेंगे। अभी के लिए तो हम इस वायर का यूज कर रहे हैं, अगर हमको कभी जरूरत पड़ी लंबे वायर की तो हम इसमें लंबा वायर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी को इसमें जोड़ेंगे। चलो सबसे पहले इस वायर को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। पहले हम इसको इस ढक्कन से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर इस वायर को इस ढक्कन से निकाल लिया है। चलो इस ढक्कन को इसके ऊपर बंद कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इस ढक्कन को इस डिब्बे के ऊपर बंद कर लिया है और इस वायर को हमने इस तरफ निकाल लिया है। अब हम इनके कनेक्शन कर देंगे। चलो इनके कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को हमने इसके कनेक्शन किस तरीके से किए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने इसके सभी कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर हमने एक तार को लिया है, जिस तार को हमने एक सॉकेट के एक पॉइंट में लगा करके फिर हमने इस दूसरे वाले सॉकेट के एक पॉइंट में लगा दिया है। उसके बाद इस पॉइंट से सीधा एक तार को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा लिया है,
ये जो पहले वाले सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ था इसमें हमने लगा दिया है, फिर जब दूसरे वाले सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ था इसमें हमने लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर से ला करके इस स्विच के एक पॉइंट में लगा दिया है, और इसके स्विच के दूसरे वाले पॉइंट से एक तार को निकाल करके बाहर की तरफ निकाल दिया है। चलो इसको इस डिब्बे में सेट करते हैं। हमने यहाँ पर इसमें पेंचों को लगा लिया है, अब हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड बनकर के रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये किस तरीके का दिख रहा है, इसको हमने एक से खराब डिब्बे में बनाया है। चलो आप लोगों को इसको चेक करके दिखा देते हैं। इसको चेक करने के लिए हम एक दूसरा बोर्ड ले लेंगे, हमने यहाँ पर एक दूसरा बोर्ड ले लिया है। चलो इस बोर्ड में इसके प्लग को लगाते हैं। हमने यहाँ पर इस बोर्ड में इसके प्लग को लगा दिया है। चलो इसके स्विच को ऑन करते हैं। हमने यहाँ पर इसके स्विच को ऑन कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक चार्जर ले लिया है, इस चार्जर को हम इस बोर्ड में लगा देंगे। हमने इस चार्जर को इस बोर्ड में लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर अपना टैब ले लिया है। चलो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। हमने यहाँ पर इसकी पिन को इसमें लगा दिया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये चार्ज होने लगा है। अगर हम इसको हटा करके दोबारा से लगाएंगे फिर से ये चार्ज होने लगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा हमने एक खराब पुराने डिब्बे में एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों में कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ धमाके ऑडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।